आइए बात करते हैं इंजीनियर आर्यन जी से कि इस कार्यक्रम को कैसे बेहतर करने का प्रयास किया जी। आज का कार्यक्रम क्या है सर? एक्चुअली में ये साइंस एग्जीबिशन है जिसमें कल्चर ऑफ मेघालय दिखाया गया है, जहाँ पे 6 दिनों से सारे टीचर स्टाफ सारे लोग लग के बैम्बू से नेचुरल थिंग्स से बहुत सारी चीज़ें बनाई, जिसमें मॉलिंगलोंग विलेज, सेल्फी कॉर्नर, मॉकटेल, उसके बाद से रैम्बो फॉल, खासी कल्चर, जयंती कल्चर, ये सारी चीज़ें जो मेघालय में होती हैं वे सारी चीज़ें दिखाई गई। और ये आप जो देख रहे हैं ये बॉन फायर है जो हम लास्ट में इसको बर्न करेंगे। और आज जो हमारे यहाँ पे मुख्य अतिथि इनवाइटेड हैं प्रोफेसर कल्पलता, तो वे थोड़ी देर में यहाँ पर आ रही हैं। और देखा जाए तो बच्चों ने बहुत मेहनत किया, सेमिनार हॉल में बहुत सारे प्रोजेक्ट है, और ये एक बैम्बू ब्रिज है जो हम लोगों ने इसको बनाया हुआ है। और ये एक्चुअली में इसलिए है कि बच्चे पूरे ईयर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं, तो पूरे 6 डेज़ का एक एक्टिविटीज़ प्रोग्राम होता है जिसका नेम हमने ग्रेविटी रखा हुआ है। और ये हमारा साइंस एग्जीबिशन और आर्ट एग्जीबिशन है, और इसमें सारे लोग आज इसका फाइनल है, और इसमें आज जो फर्स्ट आएगा उसका अनाउंसमेंट होगा, सेकंड एंड थर्ड प्राइज विल बी देयर। तो नेचुरल से बना हुआ है, काफ़ी मेहनत किया है बच्चों ने। और उसको भी कितने क्लास से जुड़े बच्चे हैं इसमें? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 6 to class 12th के बच्चों को पार्टिसिपेशन दिया गया है। जैसे 12th और 10th का बोर्ड था उनके पार्टिसिपेशन नहीं है, लेकिन 9th, 11th, 6th, 7th, 8th ये सारे बच्चे आपको यहाँ मिलेंगे। और सारे बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया और अपने विदाउट यूजिंग मोबाइल फ़ोन, अगर आप देखा जाए तो सेल फोन का यूज़ नहीं किया गया है, सारे बच्चों ने अपने माइंड से माइंड का यूज करते हुए सारी चीज़ों को किया है। और काफ़ी बेनिफिशियल टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटी निकल के आई कि कैसे एक टीम को मैनेज करना है। एक टीम में 6-6, 7-7 बच्चे थे जिन लोगों ने मैनेज किया और इसे कंप्लीट किया। आप मेरा बैम्बू ब्रिज एक बार देख सकते हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, बच्चों से भी बात करते हैं, गार्जियंस भी बात करते हैं। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। हाँ, दो शब्द आपके भी हो जाए, कैसा है? बस कम शब्दों में भाई, बच्चों का प्रयास बहुत अच्छा लगा और हमको सबसे अच्छा लगा कि मेघालय के कल्चर को इस उत्तर प्रदेश की धरती पर, वो भी बलिया में, बिल्कुल तो पूर्वी छोर पर बच्चों ने उतारा है, दिखाया है। और वहाँ बम्बू से ही सारे सामान बनते हैं, बच्चों ने बनाया है, उधर के गुर्जर फूड्स वगैरह या उसकी फार्मिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ों को बच्चों ने एक बहुत लिमिटेड साधन में और बहुत अच्छे तरीके से शो किया है। मैंने देखा, पूरा राउंड लिया हूँ, सबको देखा हूँ और सब बहुत अच्छा लगा है। ये बच्चे बधाई के पात्र, पुरस्कार के पात्र हैं। आए आइए बात करते हैं और लोगों से, कैसा कार्यक्रम रहा आज का? तो आज ये कार्यक्रम एशियन पब्लिक स्कूल में काफ़ी बेहतर है, सुंदर है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही, जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।